मिसेस व्यास, आपकी हिम्मत के लिए तुम्हारे लिए और क्या सुना अंत में पो लगता है पो लैपटॉप लगाऊं या नहीं रहने दे आज लिखने का मूड नहीं कमाल है आप भी तो कह रहे थे कि कुछ अर्जेंट लिखना है घर में मन नहीं लग रहा तो गार्डन में चला जाता हूँ हैं क्या हुआ हाँ कहानी लिखने गया था ये सबूतों से भरा बैग लेके वहां गार्डन में मिसेस व्यास मिल गई अमर के बारे में बताने लगी यार गुरु उनकी आवाज में जो सच्चाई है ना उसे सुन के लगता नहीं कि अमर ऐसा था वो दोनों बच्चे भी थे वहां तीनों को देखकर बार बार मेरा दिल यही कहता रहा कि इनका अमर ऐसा नहीं हो सकता है करप्ट नहीं हो सकता वो बात तो है पर इन सबूतों के लिए तुमने भी दबा के मेहनत की है उसका क्या हाँ अबे मेहनत की थी दीनानाथ के खिलाफ सबूतों के लिए जो हाथ आए हैं वो सब तो अमर व्यास की तरफ इशारा करते एक मिनट के लिए मान भी ले कि ये सारे सबूत सच्चे क्या होगा उसका अमर व्यास तो है नहीं ना उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं ना उसे कोई सजा हो सकती है क्या मतलब है ये सबका खामखा क्यों नन्ही के मन में उसके पापा की और मिसेस व्यास के मन में उनके पति की इमेज खराब है मैं उनसे उनका ये यकीन ये विश्वास क्यों छीनूं कोई फायदा नहीं और क्या मतलब कमेटी तो बैठी हुई जो फैसला देना होगा दे देगी ये बस्ता बंद क्या कर रहे मैं ये रिपोर्ट नहीं छापूंगा गुरु ये मेडल याद है
रिपोर्टर बनने के बाद तुम्हें मिला हुआ पहला मेडल है ये। निडर होके सच को छापने के लिए मिला था, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा आज का ये फैसला उससे भी ज्यादा बहादुरी की बात है। आज ये मेडल ज्यादा जच रही है तुम पे। तो प्रमोशन ना मिलने की वजह से आपने जॉब छोड़ दिया? नहीं सर, जॉब किसी पर्सनल रीजन की वजह से छोड़ी है। मिस्टर संजय, हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि किसी को भी हायर करने से पहले उनके पुराने एम्प्लॉय से रेफरेंस लेटर लेते हैं। है कोई लेटर आपके पास? नहीं सर, रेफरेंस लेटर तो नहीं है और शायद मिलेगा भी नहीं। मुझे जॉब से निकाला गया था सर। 10 साल तक एक कंपनी में काम किया, अच्छा अकाउंट हैंडल किया, कोई प्रमोशन नहीं और एकदम से नौकरी से निकाल दिया। कुछ डिटेल बता सकेंगे आप? सर, आपने अमर व्यास का नाम सुना है? अमर व्यास इंजीनियर, महानंदा फ्लाईओवर। अच्छा, वो जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा हुआ था? वो मेरा छोटा भाई था सर। आप अमर व्यास के भाई को जॉब पे नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन मेरा भाई करप्ट नहीं था। उसके ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम्स झूठे हैं सर, और बहुत जल्द यह साबित हो जाएगा कि वो निर्दोष था। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी सर। अच्छा हुआ मिस्टर रस्तोगी ने आपको जॉब से निकाल दिया, वरना आपको हमारी कंपनी में जॉब कैसे मिलता जी? बैठिए जी सर। जी सर, मिस्टर संजय, आपकी जगह कोई दूसरा होता तो अपने भाई के बारे में बात ही नहीं करता, लेकिन आपकी आंखों में आपके भाई के लिए एक फक्र था, सच्चाई थी, और ये आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताती है। हाँ तो मिस्टर संजय, क्या आप कल से जॉब ज्वाइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए मैडम, ये आइटम बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, ये लीजिए। भैया इतना छोटा भी नहीं है। तो ये लीजिए मैडम, रॉबर्ट। ये हंसता है, गाता है, लड़कों को बहुत पसंद है ये आइटम। लेकिन इससे बच्चे क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं। अरे मैडम, ये तो खिलौने हैं, टाइम पास करने के लिए होते हैं। नहीं भैया, ये भी नहीं। कुछ ऐसा दिखाइए जो बजट में भी हो और बच्चे उससे कुछ सीखें, कुछ जाने उससे। अरे मैडम, पूरी दुकान तो दिखा चुका हूँ आपको। ए सुना, चिंगम मेरा। अरे आप ही ऊपर से उठा लीजिए ना। अरे आप तो रोज के ग्राहक हैं। कहाँ डब्बा का है? वो ऊपर रखी हुई है ना। हाँ मिल गया।
रोहन भैया आप थोड़ा सामान देखिए, आराम से रहिए, मैं थोड़ा ग्राहक निपटा के आता हूँ। हाँ तो बोलिए मैडम, ये देखिए तलवार है, लड़कों को बहुत ही पसंद आता है। नहीं भैया, कुछ और दिखा दीजिए। ये देखिए, ये भी नहीं। ये भी नहीं। ये देखिए मैडम, ब्रेक डांस वीडियो गेम। क्या हुआ मैडम? भैया वो नहीं, ये भी नहीं। तो मैडम फिर हमारी दुकान में तो आपके लायक कोई सामान है नहीं। अब तो भगवान ही आपकी मदद कर सकता है, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। बोलिए मोहन बाबू। जरा वो किताब निकालना। स्केच पे निकाल दीजिए। वो कह रहा लड़कों में दिमाग थोड़ा कम होता, ये ठीक रहेगी। अरे मोहन बाबू, क्या हुआ, बुक पसंद नहीं आई क्या? अच्छे आ रही है आज मम्मी जी। देख लेना, गुस्ती ही शुरू हो जाएगी। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, यहाँ पे डिस्टिंग नहीं किए हैं। पर तुम देख लेना, मैं भी आज एक भी मौका नहीं देने वाला। ओहो, अबे, अरे, ए, क्या कर रहा है? सफाई कम, दिखावा ज्यादा करता है तू। और कम से कम कर तो रहा हूँ, आप तो कुछ हेल्प नहीं करते मेरी। है रख के दूंगा एक। हेल्प नहीं करता, ये देख सफाई आज मैंने भी की, दिख रही है। रखो रखो और फैलाओ ये सब कूड़ा, हैं? मैं घर का नौकरी हूं, कुछ साफ नहीं करने वाला, मम्मी जी को भी देख लूंगा। तो देख ले। पता नहीं कब सफाई करनी सीखेगा तू। पकड़ इसे, घर का हाल देख, कूड़ा घर बना के रखा है। मोनू, मोनू मेरा बच्चा। आपके बच्चे का नाम मोहन है। आप ठीक है मोनू, बैठो। और आज ना इसको दोष मत दो, ये सारा कचरा कूड़ा मेरा फैला है वो। बस तू तो बस इसी की तरफदारी कर। अच्छा छोड़, ये ले।
घर के बने गुलाब जामुन तुझे अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते माँ। खा ले कितने प्यार खाना। गुरु तो बड़ा खुश हो रहा था कि तू कोई बहुत बड़ी स्टोरी छापने वाला है। कौन सी स्टोरी छाप रहा है तू? अरे मम्मी जी इस बार भैया ने बहुत सही निर्णय लिया है स्टोरी ना छापने का। हैं? क्योंकि अगर ये स्टोरी छापेंगे तो ननी को, उनकी माँ को और उनके पूरे परिवार को बहुत दुख होगा। कौन है ये नन्नी, उसका परिवार, उसकी माँ? अरे वो नहीं उस दिन आई थी बच्चे के साथ? देखे देखे क्या छुपाया है इसने। इसे पता था इस आग के छप जाने से मेरे लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। वो झगड़ालू हो रहा है? मोनू इतने दिनों की मेहनत तो उस औरत के लिए जाने देगा? बाप बात मेहनत की नहीं तो फिर बात सुकून की है मां, उस परिवार का सुकून जो ये स्टोरी छापने से छिन जाएगा। अरे मोहन भाई मोहन भाई मोहन भाई मजा आ गया मोहन भाई। क्या है काम की बात करने आया है तो कर ना, जीता रहे जब काम की बात कर। मोहन भाई आपकी जो महानंदा फ्लाईओवर वाली स्टोरी है ना उसके लिए कमाल का ह्यूमर एंगल मिला है। यार मैं वो स्टोरी नहीं कर रहा। क्या पर भाई क्यों ऐसे ऐसे? मोहन भाई ऐसे कोई स्टोरी छोड़ नहीं सकते। मैंने आपसे तो सीखा है कि हर कहानी में छुपी हुई सच्चाई को लोगों के सामने ले जाना एक रिपोर्टर की जिम्मेदारी है। और आज जब सच्चाई हमारे सामने खड़ी है तो आप कह रहे हो कि आप स्टोरी छोड़ना चाहते हो? नहीं मोहन भाई, ये स्टोरी आपकी और मेरी नहीं रह गई है, हर उस परिवार की है जिसने महानंदा फ्लाईओवर में किसी ना किसी को खोया है। उनके लिए, उनके इंसाफ के लिए मोहन भाई अब आप मुंह नहीं फेर सकते, आपको ये स्टोरी करनी पड़ेगी। जो सच्चाई हमें पता है वो लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। एक गंदे अंकल ने पापा के बारे में बहुत बुरा बोल दिया, पर मेरे पापा ऐसे नहीं थे, वो बहुत अच्छे थे। He was the best papa in the world. अमर के लिए पैसों की कोई अहमियत ही नहीं, अमर की बेगुनाही पर यकीन। चाहिए मोहन भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं वो मैं वो मोहन भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है महानंदा फ्लाईओवर हादसे के पीछे एक बहुत बड़ा करप्शन का एंगल है या फिर सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था? करण तो अच्छी तरह जानता है कि करप्शन हुआ, मेरी प्रॉब्लम दूसरी। दूसरी है भाई? आपके मुंह से ना ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। करण मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। भाई टाइम ही तो नहीं हमारे पास, कुछ दिन में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी फिर सच की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जो करना है हमें अभी करना है। आप एटलीस्ट एक बार ऑफिस तो चल के देखिए, अगर उसके बाद भी आपको सच और झूठ का फैसला करने में दिक्कत होती है तो आप स्टोरी मत करना, ठीक है? मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, फैसला आपका ही है। पर जाने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बोल दूं कि आप हर उस आदमी के साथ अन्याय कर रहे हो जो इस हादसे में मरा है।